हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गेट 2021 का क्वेश्चन ऑन सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये गेट 2021 में ही आया था रिसेंटली, अभी सेट वन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, एंड एक न्यूज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझे कोई क्वेश्चन भेजना हो या जिस पे मैं वीडियो बनाना जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं, jatingupta.gate@gmail.com। ठीक है, आप इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर वीडियो बना सकूँ। ठीक है, एंड एक चीज़ और, अगर आप जैसे मोस्टली चैनल पे जो वीडियोस चली हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70-75 वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं इस चैनल पे, मोस्टली जो ये जो वीडियोस हैं ये सी प्रोग्रामिंग पे हैं। ठीक है, एल्गोरिथम्स पे हैं एंड डेटा स्ट्रक्चर्स पे हैं। ठीक है, और भी और कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स की भी हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स की 4-5 वीडियोज़ ही हैं, ज़्यादा नहीं है। एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड प्रपोजिशन की भी हैं। ठीक है, ये 5-6 टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ अभी डाली हैं। तो अगर आपको कोई भी जैसे अगर क्वेश्चन सर्च करना हो जैसे, तो आप कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे गेट का ये गेट 2021 का क्वेश्चन है ये, तो आप सर्च कर, अगर यूट्यूब पे आपको क्वेश्चन सर्च करना है तो कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पे गेट एंड जिस ईयर में आया था गेट में, वो आप लिख दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल गेट 2021। ठीक है, यूट्यूब पे, एंड कंसिडर द फॉलोइंग एएनएसआई सी फंक्शन, तो आप पहला स्टेटमेंट ही आप अगर लिख देंगे तो वो क्वेश्चन की ये वाली वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर कोई भी आपको क्वेश्चन में डाउट हो तो वैसे मिल जाना चाहिए क्वेश्चन आपको, जो अगर मैंने वीडियो से बनाई होगी तो वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं गेट एंड वो क्वेश्चन किस ईयर में आया था वो, एंड उस क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन लिख देंगे, बहुत मतलब वो सर्च करके दे देगा यूट्यूब अपने आप ही। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एएनएसआई सी फंक्शन। ठीक है, एक सी फंक्शन हमें दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फंक्शन का नाम है इंट सिंपल फंक्शन। ठीक है, सिंपल फंक्शन इस फंक्शन का नाम है, और इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, रिटर्न टोटल रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, लेट जेड बी एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स विद जेड ऑफ आई इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई सच दैट आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक जेड ऑफ आई की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, अभी ये बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। जेड एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, जेड एक एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स हैं, इसको इंडेक्सिंग कहाँ से है, आई की 0 से लेकर 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक 10 एलिमेंट्स हो गए, एंड जेड ऑफ आई इक्वल टू 1 है फॉर ऑल सच दैट 0 से लेकर 9 तक जो आई की वैल्यू, फॉर इसका मतलब क्या है, जेड ऑफ 0 अगर हम क्या लिखेंगे 1, ऐसे जेड ऑफ 1 भी क्या होगा 1, तो ऐसा जेड ऑफ 9 तक इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है, तो ये एरे की इनिशलाइज कर दिया, यहाँ पे सारी वैल्यू 1 से इनिशलाइज है पहले से। ठीक है, ये तो एक हमारा जेड एरे हो गया। द वैल्यू रिटर्न बाय द सिंपल फंक्शन जेड कॉमा 10 कॉमा 2 इज, तो सिंपल फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, उसके पैरामीटर्स में क्या पास कर रहे हैं, जेड। जेड तो हमारा एरे हो गया। ठीक है, 10 एक इंटीजर वैल्यू है जो इंट एन में जाएगी, एन में क्या हो गया 10, एक्स में क्या जा रहा है 2। ठीक है, तो ये दो इंटीजर वैल्यू है और एक वाई एरे पास हो रहा है। ठीक है, ये जेड एरे पास हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, सिंपल फंक्शन करके आ रहा है इंट टोटल इक्वल टू वाई ऑफ 0। ठीक है, अब वाई किसको पॉइंट करेगा, जेड जेड वाले एरे को पॉइंट करेगा क्योंकि हमने जेड वाला एरे पास करा है। ठीक है, तो इंट टोटल इक्वल टू वाई ऑफ 0, वाई ऑफ 0 में क्या है 1। ठीक है, तो टोटल में क्या आ जाएगा, टोटल किससे इनिशलाइज हो जाएगा 1 से, एंड लूप इंडेक्स एक सिंपली डिक्लेयर करा है इसकी, अभी वैल्यू इनिशलाइज नहीं करी है। एंड लूप इंडेक्स इस लूप को, लूप की इंडेक्सिंग के लिए काम आ रहा है। ठीक है, लूप इंडेक्स इक्वल टू 1, लूप इंडेक्स लेस देन इक्वल टू n-1, लेस देन इक्वल टू n-1, एन की वैल्यू कितनी है 10, 10-1 कितना 9 तक, मतलब लूप इंडेक्स 1 से स्टार्ट होकर 9 तक चलेगा, 1 to 9 तक चलेगा। लूप इंडेक्स को शॉर्ट में लिख लेते हैं li। ठीक है, li इक्वल टू 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, मतलब 1 पे चलेगा, 2 पे, 3 पे, अप टू 9, टिल 9 तक ये लूप चलेगा। अब लूप इंडेक्स अभी इस लूप के अंदर हो क्या रहा है, टोटल इक्वल टू एक्स इंटू टोटल प्लस वाई लूप इंडेक्स। ठीक है, वाई ऑफ लूप इंडेक्स, तो सिंपली अब चलो इसको रन करके देखते हैं। एल आई की वैल्यू, एल आई को हम लूप इंडेक्स मान रहे हैं। ठीक है, एल आई इक्वल टू 1, एल आई इक्वल टू ऐसे ही 2 पे, एल आई इक्वल टू 3 पे, एल आई इक्वल टू 4 पे। ठीक है, एल आई इक्वल टू 1 पे जब रन करेंगे तो क्या होगा, टोटल इक्वल टू एक्स क्या है हमारे पास 2, 2 टोटल क्या है हमारे पास इनिशियली 1,
प्लस वाई ऑफ लूप इंडेक्स, वाई ऑफ एल आई, एल आई कितना है 1, वाई ऑफ 1 कितना है हमारे पास 1 ही है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 आ गया। ये 3 किस में जाएगा, टोटल के अंदर, टोटल के अंदर। तो टोटल की वैल्यू पहले 1 थी, अब कितनी हो गई 3, ठीक है। इसे यहाँ पे इसको इसकी वैल्यू चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब लूप में इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस का, एल आई 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखते हैं क्या और है, कंडीशन करेंगे 2 लेस देन इक्वल टू 9 है, हाँ चलेगा वो लूप, ठीक है। फिर क्या रहा, टोटल इक्वल टू एक्स इंटू टोटल, एक्स तो सिंपली 2 ही है, एक्स की वैल्यू उन्होंने चेंज करी नहीं है कहीं पे, 2 इंटू टोटल कितना हो गया हमारे पास 3, प्लस वाई ऑफ लूप इंडेक्स, लूप इंडेक्स क्या है 2, प्लस वाई ऑफ एल टू, एल टू क्या है हमारे पास 2, और वाई ऑफ 2 हमेशा क्या है 1 ही है, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, तो ये किस में जाएगा 7, टोटल के अंदर। तो 1 से पहले 3 हुआ, 3 से अब हो रहा है 7। एक और बार चला के देख लेते हैं, जब भी आपको लूप वाले क्वेश्चन दिखे ना, मतलब जैसे इसमें तो 1 से लेकर 9 तक चलाना पड़ेगा, तो पेपर में इतना टाइम तो होगा नहीं, बाकी 1 से लेकर 9 तक चला के देखे बार बार, तो 4-5 बार अप्रोक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 बार चला के देखिए, आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा कि किस तरीके से लूप में जो वैल्यूज, जो अपडेशन हो रही है टोटल के अंदर, किस तरीके से हो रही है, ठीक है। इसमें भी हम 4-5 बार चला के देख लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं कि हम डायरेक्ट, अगर 9 की वैल्यू, डायरेक्ट जब लूप इंडेक्स की वैल्यू 9 होगी तो हम निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है, वो भी ट्राई करते हैं। दोनों चीज़ें ट्राई कर लेंगे, 1 से लेकर 9 तक पूरा चला भी लेंगे, एंड पैटर्न ऑब्जर्व करके एक फॉर्मूला भी ट्राई बना के भी ट्राई कर देख लेंगे, ठीक है। अब एल आई इक्वल टू 3 पे क्या होगा, एक्स कितना है हमारे पास, एक्स तो हमारे पास सिंपली चेंज हो नहीं रहा, एक्स तो 2 ही है, 2 बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल कितना है 7, प्लस वाई ऑफ लूप इंडेक्स, वाई ऑफ लूप इंडेक्स, वाई ऑफ लूप इंडेक्स वैल्यू कितनी है 3, वाई ऑफ 3 में कितना है 1, तो सिंपली 2 इंटू 7 प्लस 1, 14 प्लस 1 15, ठीक है। ऐसे ही लूप इंडेक्स इक्वल टू 4 पे जब चला के देखेंगे, एक्स तो सिंपली चेंज हो नहीं रहा है, तो 2 इंटू लास्ट वैल्यू यहाँ कितनी होगी 7 से 15, ये एल आई इक्वल टू 3 में 15 होगी, 2 इंटू 15 प्लस वाई ऑफ लूप इंडेक्स, वाई ऑफ लूप इंडेक्स, वाई ऑफ 4 पे कितनी वैल्यू है 1, 2 इंटू 15 30 प्लस 1 31, ठीक है। एक और बार चला के देख लेते हैं, एल आई इक्वल टू 5 पे, ठीक है, एल आई इक्वल टू 5 पे फिर यहाँ पे 15 से कितनी होगी टोटल की वैल्यू 31, ये टोटल की वैल्यू सब चेंज होती जा रही है, ठीक है। एल आई इक्वल टू 5 पे जब चलाएंगे तो फिर सिंपली एक्स इंटू टोटल, एक्स 2 है, टोटल कितना है हमारे पास 31, 31 प्लस वाई ऑफ 5, वाई ऑफ 5 कितना है सिंपली 1, 2 इंटू 2 31 62, 62 2 प्लस 1 63, ठीक है। अगर आप पूरा ना भी चला के देखें, अब इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल आई इक्वल टू 2 पे 7 थी, एल आई इक्वल टू 3 पे 15 थी, एल आई इक्वल टू 4 पे 31 थी, तो एक तरीके से पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा एल आई इक्वल टू 5 पे 63 है। अगर इसको एल आई की टर्म्स में अगर लिखा जाए 2 की पावर में, हमेशा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि टोटल 2 इंटू एल आई प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अगर यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एल आई इक्वल टू 5 लिख के रखें, एल आई इक्वल टू 5 कितना होगा, एल आई यहाँ पे रखे 5, 2, एल आई की वैल्यू कितनी है 5, 5 प्लस 1 माइनस 1, 2 की पावर 6, 64, 64 माइनस 1 63, तो देख ही सकते हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर एल आई की जगह 3 डाल के देखेंगे, 3 प्लस 1 4, 2 की पावर 4 कितना 16, 16 माइनस 1 15, तो यहाँ पे सही काम कर रहे हैं। अगर हमें डायरेक्ट अगर निकालना हो, इस तरीके से पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया हमने, 2 की पावर Li प्लस 1 माइनस 1, एल आई की लास्ट वैल्यू क्या होगी, जब ये लूप चलेगा एल आई की लास्ट वैल्यू होगी 9 पे, 9 पे ये लूप, 9 के बाद जब इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो लास्ट वैल्यू क्या होगी 9, ठीक है। अगर 9 पे 9 डाल के देखें, 2 रेज टू पावर 9 प्लस 1 माइनस 1, 2 टू पावर 9 प्लस 1, 2 टू पावर 10 माइनस 1, 2 टू पावर 10 कितना होता है 1024, -1 इक्वल टू 1023, तो ये हमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली, द वैल्यू टर्न बाय सिंपल फंक्शन, ठीक है, ये टोटल की लास्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। एंड लास्ट में जब भी लूप एल आई की वैल्यू भी 9 थी, 9 से फिर 10 होगी, तो 10 में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एंड ये लूप से बाहर आ जाएगा, टोटल रिटर्न कर देगा, टोटल की वैल्यू क्या है 1023, तो सिंपली टोटल रिटर्न करके 1023 दे देगा। अगर आपको अगर पैटर्न ना भी समझ आए तो आप डायरेक्ट चला के भी सकते हैं एल आई इक्वल टू 9 तक, वो चला के भी देख लेते हैं, एल आई इक्वल टू 6 पे क्या होगा, लास्ट वैल्यू क्या होगी 31 से 63 होगी थी, ठीक है। 6 पे चला के देख रहे हो, 6 पे क्या हो रहा है, एक्स इंटू टोटल, 2 इंटू टोटल कितना है 63, 63 प्लस 1, वाई ऑफ लूप इंडेक्स, वाई ऑफ 6 कितना है हमेशा 1 ही है, वाई की जो वाई जो है एरे है हमारा वो चेंज तो हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट हमेशा +1 ही हो रहा है इसमें, ठीक है। 2 इंटू 63 126 प्लस
प्लस वन 127, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी 63 से 127। ऐसे ही 7 बचा लगा देख लेते हैं, एल आई आप क्या होगा, 2 × 127 प्लस वन, हाँ प्लस वन हो रहा है हमेशा, तो ये कितना होगा 254 प्लस वन 255, ठीक है। ऐसे ही एल आई इक्वल टू 8 पे 2 × बार बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लास्ट वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू 255 हो गई थी, प्लस वन ये होगा 500, 225, 255, 510 प्लस 1, 511। ऐसे ही लास्ट पर एक एल आई इक्वल टू 9 पे भी चलेगा, 511 इंटू 2 प्लस वन, 511 इंटू 2 122 प्लस वन 1023, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू आप 1023 यहाँ से भी आ रही है, जब 9 बार लूप चला के देखा वैसे भी, एंड डायरेक्ट जो हमने ऑब्जर्वेशन करा था उससे भी आ रहा है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है, 1023, जो टोटल में वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। 255 से यहाँ पे वैल्यू हुई थी 511, एंड 511 के बाद 1023। तो ये मेरे सेट में ही क्वेश्चन आया था भी, 2021 जो मैंने भी दिया था सेट वन के अंदर ही था ये, तो मैंने दोनों तरीके से एक बार पैटर्न भी ऑब्जर्व हो गया था, तो बट वेरीफाई करने के लिए मैंने एल आई इक्वल टू 9 तक भी चला के देख लिया था, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 मिनट लगे थे इसे करने में, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो पूरी होती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, एंड अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो इस मेल आईडी पर भेज सकते हो, jatingupta.date@gmail.com, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।